एग्जाम्पल सिक्स, सान्या हैज अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। तो ये जो लैंड है वो रोम्बस के शेप में, रोम्बस कैसा होता है जिसकी चारों साइड है वो इक्वल होती है। तो ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स और ये एक्स। सी वॉन्ट्स हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। तो एक सन है और एक डॉटर। सी डिवाइड द लैंड इन टू टू इक्वल पार्ट्स। तो एक सन को मिलेगी, एक डॉटर को, और इक्वल पार्ट है तो ये दोनों सेम होगा। इफ द पैरामीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर एंड वन ऑफ द डायगनल इज 160 मीटर। पैरामीटर दिया है और ये डायगनल 160। हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर द क्रॉप। तो हमें फाइंड करना है कि हर एक को कितना मिलेगा। तो हम कोई भी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर है 400, ठीक है। तो चारों साइड इक्वल है तो डिवाइड बाय 4, 100 मीटर, तो हर एक साइड होगी 100 मीटर की, ठीक है। अब हमें कोई भी एक ट्राइंगल लेना है तो यहाँ पे ए बी डी लिया हुआ है, हम ए बी सी डी ले तो भी सेम ही होगा। तो उसका हम हेरोन के फॉर्मूला से एरिया फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट एस फाइंड कर दिया, पैरामीटर डिवाइड बाय 2, उसके बाद हेरोन के फॉर्मूला हमें सारी वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया 4800 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 4800 मीटर स्क्वायर। अगर हम चाहते हैं कि हम हेरोन का फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते, ठीक, तो एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है। तो बेसिकली ये मेथड क्या है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, वो 90 डिग्री का होगा और ये दो है वो भी इक्वल हो गए। तो इसी के ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड कर देंगे, उसका डबल कर देंगे तो मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि सी है वो परपेंडिकुलर होगा बीडी के, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। हमारे पास सी डी 100, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ठीक है। तो सी स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों, ये मिड पॉइंट होगा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू रूट डी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, तो ये आ गया 60 मीटर। तो ये सी की वैल्यू आ गई 60 मीटर, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको हाफ ट्राइंगल का एरिया भी ले सकते हैं, या तो हम फुल ट्राइंगल का एरिया ले बी सी डी। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस होगा ये बड़ा सा और ये हाइट, तो हाफ 160 इंटू 60, आंसर आएगा 4800 मीटर्स। अब यहाँ पे हेरोन के फॉर्मूला से यूज़ करें या फिर ये यूज़ करें, हाफ बेस इंटू हाइट, दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हाफ ट्राइंगल है उसका फाइंड करें, तो वो कितना आएगा, हाफ 60 इंटू 80 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो भी यही आंसर है। तो ये पूरा ट्राइंगल है उसका एरिया है 4800 और ये दोनों इक्वल है तो इसका भी 4800 स्क्वायर मीटर स्क्वायर आंसर आएगा एरिया।